नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेड एस मलिक टीम का यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव। और इस टाइम जो वीडियो आपको मिल रही है, ये मिल रही है रात के, हम जो बना रहे हैं 1:55 आप देख रहे हैं। 28 अगस्त डेट हो चुकी है और आप सभी को पता है इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बिगेस्ट इवेंट जो कि हो रहा है हैदराबाद में। मैं पहुंच चुका हूं हैदराबाद और मेरी टीम पहुंच चुकी है हैदराबाद, जो कि मिलने आए हैं काकू भाई से और परविंदर भाई से, जिन्होंने इतना बड़ा इंडिया का बिगेस्ट इवेंट किया है जिसका आज डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। और जो ये इवेंट है, ये इवेंट की जो आपको अपडेट मिल रही है रात को 2 बजे अपडेट देने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ क्या वर्क चल रहा है और किस तरीके से यहाँ टीम जो है काम कर रही है, और जो कि परविंदर भाई और काकू भाई की मेहनत है वो कितना रंग ला रही है और किस तरीके से वो लोग आधी आधी रात को भी नहीं सो रहे हैं सिर्फ इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए और आप लोगों के लिए ये पल सुनहरा करने के लिए कि आप हमारी इंडस्ट्री में ऐसा आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो मैं ना आपको टाइम वेस्ट करते हुए दिखाऊंगा, ये हमारा आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा बैंकेट हॉल है जहाँ ये इवेंट होना है। हालांकि आपको अभी ये देख के लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन जब आप इसे अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी जगह है। तो आइए हम चलते हैं अंदर, और अंदर चल के जैसे कि आप हमारे साथ देखेंगे परविंदर जी हैं, ठीक है। तो अभी हम जैसे आ गए, और ये देखिए ये जेड एस मलिक का बैनर जो कि अभी लगना है, और रात के 2 बजे जो टाइमिंग मैंने आपको दिखाई है इस टाइम भी यहाँ काम चल रहा है और पूरे जोश से लोग काम में लगे हुए हैं ताकि इस इवेंट को बहुत बड़ा सक्सेस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए और आप लोगों के लिए बना सकें। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे परविंदर जी से, मैं आ जाता हूँ उधर। परविंदर जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, एकदम। बहुत बहुत स्वागत है आपका कि हमारे चैनल पे जो आपको ऑडियंस देख रही है, पहले आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, लाइट देख लेना, ठीक है। तो हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर इंडिया में सभी मोबाइल वाले छुट्टी पे क्यों चले गए हैं, ऐसा क्या हो रहा है इंडिया के अंदर कि एक साथ भोकाल मचा दिया है। और ये भोकाल कोई ऐसी नहीं मचा है, ये भोकाल मचाने वाले हमारे परविंदर जी और काकू भाई हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के हर आदमी को लाके खड़ा कर दिया है हैदराबाद में, जो कि एक बहुत आउटसाइड पड़ जाती है। लोग सोच रहे थे कि ये इवेंट हैदराबाद में क्यों हो रहा है, दिल्ली में भी तो हो सकता था, ये मुंबई में भी तो हो सकता था, लेकिन इस जोश के साथ जो एक कदम उठाया है वो कदम किसी ने नहीं उठाया, और ये सिर्फ जो कर सकते थे वो परविंदर भाई या ताजिंदर भाई ही कर सकते थे। आप क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में जो ऑडियंस आपको देख रही है? दोस्तों ये इवेंट हमने आप लोगों के लिए रखा है ताकि सभी को, जितने टेक्नीशियन मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, जो भी मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट कर सके, बस यही हमारा प्रयास है, और जिससे हम सबको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सबसे पहले आपको जेड एस मलिक टीम के चैनल पे मिल रही है, जो हमारे भाई इस वक्त नहीं पहुंच पाए हैं, जो इस इवेंट को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, वो अब अरविंदर जी की वजह से और काकू भाई की वजह से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। आप इस पल को सुनहरा बनने आने के लिए, इस पल के गवाह बनने के लिए कि हाँ आपने भी ये इवेंट जो है देखा था, वहां क्या हुआ था, आप लोग पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन आपको हर पल की अपडेट मिल जाएगी, वहां कैसे क्लास होने वाली है, वहां कैसे स्टॉल लगे हुए हैं, और आपके अंदर एक कहीं ना कहीं जो है आप कहेंगे कि आपको हर्ष होगा कि आप क्यों इस इवेंट में नहीं आए, क्यों आपने ये मिस कर दिया। जबकि मैं एक बात बता दूं, परविंदर जी का और काकू भाई का एक स्लोगन था कि पिछली बार मिस कर दिया था, इस बार नहीं करेंगे, और इस बार अगर आपने मिस कर दिया है तो आप, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा बिगेस्ट इवेंट दोबारा से हो पाएगा। क्योंकि इस इवेंट में मैं एक चीज और बता दूं, चाइना की या जितनी भी मोबाइल इंडस्ट्री की जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनकी पूरी नजर है, वो आज ये जो इवेंट है ना, हम इंडिया का बिगेस्ट इवेंट कह रहे हैं, लेकिन अब ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का बिगेस्ट इवेंट रह गया है। और अब आप इस स्लोगन को देखेंगे, वर्ल्ड का बिगेस्ट इवेंट को। आइए चलते हैं नेक्स्ट और दिखाते हैं आपको यहाँ किस तरीके से काम चल रहा है। अभी भी ये देख ही रहे हैं आप, बहुत सारा काम यहाँ पेंडिंग है, और पेंडिंग का जो एक रीजन है वो रीजन भी मैं आपको बता दूं, आप लोगों के घने प्यार की वजह से, बहुत ज्यादा प्यार की वजह से काकू भाई को और परविंदर भाई को ये जगह जो थी ना उन्होंने चेंज करनी पड़ गई है, क्योंकि पहले इसके जस्ट बगल वाला जो कि इन्हीं का हॉल था वो थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि आप लोगों के रजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा आगे थे। पहले उम्मीद रखी गई थी कि यहाँ 3 लोगों का इवेंट किया जाएगा, लेकिन आप लोगों के इवेंट 4500 तक आ गए हैं, और 4500 तक जब रजिस्ट्रेशन हुए तो एक अपने आप में बहुत ज्यादा अपग्रेड करना था, अपने आप को ये दिखाना था कि हाँ हम जिस जगह कर रहे हैं वो कैसी हो सकती है। तो इसीलिए और चलते हैं थोड़े से आगे और दिखाएंगे आपको यहाँ कैसे किस तरीके से सब कुछ किया जा रहा है। देखिए अभी भी आप देख रहे हैं काम चल रहा है, इधर मैं जो पेंटिंग का काम कर रहे हैं, ये दो भाई हमारे यहाँ लगे हुए हैं, इधर भी दिखा दो, मैन बैनर पहले दिखा दो, उसके बाद फिर इधर ले आना, इधर दिखा देना,
ये भाई अभी भी काम कर रहे हैं, जैसे आपको बताया 2:00 हो चुके हैं यहाँ जो अपडेट आपको मिल रही है। और उसके अलावा आपको यहाँ ये हमारी वेलकम वॉल है, जहाँ हर कंपनी ने अपने स्पॉन्सरशिप के लिए या अपने आपको प्रमोट करने के लिए बैनर लगाए हैं, ताकि आप उनकी प्रोडक्ट के बारे में जान सके, उनकी कंपनी के बारे में जान सके। दूसरी बात ये भी जान सके कि अंदर किस किस का क्या प्रोग्राम है, वो आपको एंट्री होते ही पता चल जाएगी। तो चलते हैं हम अंदर भी और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ सारी चीजें होने वाली है। ये आप इस तरीके से बैनर देखते जाएंगे, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होने वाला है, ना ही अब से पहले कहीं ऐसा इवेंट हुआ है जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो आप आ जाइए, मेरे साथ बने रहिए। मैं कहूंगा कि अभी लाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन आप कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको जो दिखाने वाले हैं ना, वो अभी रात की अपडेट है, कल दिन में भी आपको अपडेट मिलेगी, लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी, जो कि परविंदर जी और काकू भाई की वजह से आपको ये लिए पॉसिबल हुआ है। और ये आप इसी तरीके से यहाँ जो है ये एंट्री जो है ये राइट से लेफ्ट सॉरी स्टेट से राइट मुड़ जाती है। तो इस तरीके से अब हम जब चलेंगे तो आपको और देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जगह काफी बड़ी है। आप लोगों ने जो सोची थी कि छोटी मोटी जगह में कर देंगे 100-200-500 बंदों के लिए, तो ये 100-200-500 वाला इवेंट नहीं है मेरे भाई। जो सोच रहे हैं आपको दिखाते हैं और किस तरीके से क्या हो सकता है और किस तरीके से क्या नहीं। सबसे बड़ी बात कुछ लोगों के लिए था कि इतने लोगों को बुला तो लिया है, लेकिन उनके खाने पीने का क्या इंतजाम है, तो वो भी इस वीडियो में अपडेट मिलेगी आपको। ये वीडियो लंबी जरूर होने वाली है, लेकिन कंप्लीट होने वाली है। तो ये देखिए, अभी जो आप मुझे देख रहे होंगे, ये एक बिल्कुल हरा भरा मैदान है, जहां आप इस टाइम रात को 2:00 के बाद ये अपडेट जो आप जा रही है, यहाँ लगने वाला है खाने का स्टॉल। यहाँ आपको वेज बिरयानी हो, नॉन वेज बिरयानी हो, यानी कि वेज हो या नॉन वेज हो, या फिर आपके आलू चाट हो या कुछ भी हो, वो आपके लिए यहाँ खाने के स्टॉल लग जाएंगे, ताकि आप अपने किसी भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि पूरे दिन आप वहाँ रहेंगे, वहाँ तो कोई इंतजाम ही नहीं है, आपको कहाँ होटल भागना पड़ेगा, कहाँ आप खाना खाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे। यहाँ सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि ये एक मैनेज करके, ये हमारे जो परविंदर भाई है ना, ये एक इन्होंने मैनेज किया है इवेंट, कोई ऐसी नहीं मुंह उठा लिया और इवेंट हो गई है, ऐसे इवेंट नहीं होते हैं। इवेंट के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए होती है, बहुत तैयारी करनी होती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारी परमिशन है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, इस इवेंट के जो इनॉग्रेशन करने वाले हैं और जो चीफ गेस्ट है, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री जिन्हें हम कह देते हैं, और उसके अलावा एमपी हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी हैं, और भी लोग हैं जो यहां आने वाले हैं, लेकिन ये एक बिगेस्ट हस्ती है जो ऐसी किसी इवेंट में नहीं चली जाती है। इसके अलावा और दिखाते हैं थोड़ा सा, ये हमारी एंट्री गेट ऐसे हो जाएगी, और एंट्री गेट में जब आप आते हैं तो काकू भाई एक मिनट दीजिएगा, ये मिल लीजिए, ये बहुत मोस्ट वांटेड पर्सन है, हमारी ऑडियंस आपको देख रही है और बहुत प्यार आपको भेज रही है, क्योंकि आपने दुनिया का वो काम करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्यार है जो, तो ये इवेंट जो है इन्हीं दोनों भाइयों की वजह से, जो आप मेरे साथ देख रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से आप लोगों के लिए हुआ है, जो कभी पॉसिबल ही नहीं था हमारी फील्ड में कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। 2018 में भी इन्होंने करके दिखाया था और 2022 में भी करके दिखा रहे हैं, और आपका साथ रहा ना, तो अब के इतना बड़ा इवेंट इंटरनेशनली एक अनाउंस करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। लेकिन वो कब होगा क्या होगा उसका बहुत बाद में पता चलेगा, अभी इस इवेंट को कवर करते हैं। हमने खाली इनिशिएट किया है, हमने साथ आपका है, प्यार आपका है, सहयोग आपका है, आपके सहयोग के बिना ये बिल्कुल अधूरा रहता था। जितने यही बड़प्पन होता है एक बड़े आदमी का, जो अपने आप को हमेशा छोटा दिखा के और आपको सारा क्रेडिट दे जाता है, लेकिन इसके हकदार आप भी हैं, क्योंकि आप भी पूरी सपोर्ट इन्हें दे रहे हैं, सब कुछ आप इनके लिए कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप दिखा दें, क्योंकि अभी 1 by 1 नहीं दिखाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो सभी के स्टॉल इस तरीके से लगे हुए, अभी काम चल रहा है, तो आप इस तरीके से जैसे आएंगे, ये आपको 56-57 हमारा भी स्टॉल देखने के लिए मिल जाएगा जेड एस मलिक टीम का। इसके अलावा हमारा लास्ट में भी है बेंच मार्क का, जो कि हम यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एंड्रॉइड 11। इसके अलावा आप ये दिखा दीजिए अभी किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है, वीडियो बाकायदा बहुत अच्छा लुक आ रहा है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब मैं कहूंगा कि वो इधर का भी दिखा दे, मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप इस इवेंट से मिस ना हो जाए। कल को लाइव स्ट्रीम है 10:00 जरूर लाइव स्ट्रीम कीजिएगा। बिल्कुल अभी चलते हैं हम स्टेज की तरफ, और स्टेज की तरफ भी दिखाएंगे आपको
कि क्या यहाँ होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रात को 2 बजे के बाद की अपडेट आपको मिल रही है। यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं जैसे काम चल रहा है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि रात में सो रहा है या कुछ इस तरीके से। डेडिकेटेड टीम का यही मानना होता है कि उसके लिए वर्क फर्स्ट प्रियोरिटी होती है, कि वो हमेशा काम कर सके और उसे जज्बा और जुनून होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि आज के टाइम पे ये भी सो रहे होते तो आप लोगों के लिए इतना बड़ा इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे होते। और ये इवेंट करने का जो बड़ा रीजन है वो ये है कि आपको अच्छे से सारे काम चीजें समझा सके। ये देखिए अभी भी इधर टीम काम कर रही है। और इसके बाद जैसे ही हम लुकअप लेंगे मेन स्टेज की तरफ, तो आप इस तरीके से चल सकते हैं। ये एक हमारा स्टेज भी है, और जो कि काकू भाई और परविंदर भाई ने वादा किया था आपसे वर्कशॉप का, तो वो वर्कशॉप भी इधर होने वाली है। आप सबसे पहले ये देखिएगा, ये हमारा मेन लोगो है जहां हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये जो कुर्सियां आप देख रहे हैं, ये 200 से ज्यादा कुर्सियां हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके लिए स्पेशल गिफ्ट है। स्पेशल गिफ्ट क्या है? गिफ्ट तो कोई भी दे सकता है, लेकिन यहाँ आपको मिलेगी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग कैसी होने वाली है? आपको मिलने वाली है बोर्नियो पे ट्रेनिंग। आपको हर प्रोडक्ट का, यानी कि जो भी यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट के जो उनके खास प्रोडक्ट है, जो उनके फीचर्स है, उनके बारे में आपको बताएंगे और किस तरीके से। उसके बाद आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो स्टॉल है जहाँ एक बहुत बड़ी LCD स्क्रीन आपके लिए लगाई गई है, जहाँ आपको अच्छे से, यानी कि छोटा सा एक TV लगा देते 25 इंच 32 इंच या 50 75 इंच, नहीं ऐसा नहीं है भाई। जो बड़ा होता है ना उसे बड़ा ही दिखाया जाता है और बड़ा ही बोला जाता है। और ये वाकई में बिगेस्ट इवेंट है और आप इस सब चीज के गवाह बनेंगे। कल लाइव स्ट्रीम जरूर कीजिएगा, सुबह 10 बजे हमारे चैनल पे ZS मलिक टीम पे और मोबी अलाइव चैनल पे भी देखिएगा। तो ये आपको स्टेज दिखाया है। अभी आपको एक बैक अपडेट और दिखा देते हैं कि हाँ और भी स्टोर लगे हुए। आप सोचेंगे कि नहीं इतना ही अपडेट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और ये जो वीडियो है ये अनकट वीडियो है, आपको बता दूं इसमें कोई एडिटिंग वीडियो नहीं डाली गई है, ताकि आप ये सोच सकें कि हाँ इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। वो सब कुछ आपको बिल्कुल लाइव अपडेट इसमें दी जा रही है। ये अभी भी देख लो, ये मतलब मेहनत इतनी कि आंखों में नींद नहीं आ रही है। यही डेडिकेशन आप सब में हो ना, तो आप अपने काम के महारथी बन सकते हैं। अगर आप महारथी बनना चाहते हैं तो अपने अंदर जज्बा लाइए, जुनून लाइए। और दिखाते हैं इसमें आपको, जैसे ही ये गैलरी है, गैलरी से आप चलेंगे, क्योंकि कोई छोटा मोटा नहीं है कि 5-10 स्टॉल लगा लिए होते या 4 के स्टॉल लगवा लिए होते और अपना काम हो गया होता। भाई ये मोबाइल का बिगेस्ट इवेंट है और वर्ल्ड का बिगेस्ट इवेंट है, ठीक है, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का बिगेस्ट इवेंट है। और ये चीजें जो आपको देखने के लिए मिल रही है, ये आपको एक एनर्जी एक दोस्त भर देगी कि मोबाइल वाले एक चीज और क्या, जो मोबाइल वाले कोई एवं ही नहीं होते कि जिन्हें सोचते हैं कि ये एवं ही है। अरे मोबाइल वाले वो लोग हैं जो कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि लोग जिस चीज का नशा करती है हम उसके कारोबारी है, ठीक है। तो ये जज्बा आप इसमें देख सकते हैं। अब जैसे आप इधर चलेंगे, ये आप देख ही रहे हैं ये हमारा इस तरीके से। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं और ये देखिए इधर भी स्टॉल स्टॉल ही स्टॉल है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ है यहाँ। और ये आप जैसा ही देख रहे हैं, ये देखिए इधर भी स्टोर आपको सभी का टूल्स वालों का देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए आपके लिए क्या लोकेशन चॉइस की है, मेरा दिल इतना खुश हो गया है। मैं खुद पर्सनली मोबाइल का इवेंट मैंने, हालांकि प्रगति मैदान हो या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हो, उनमें भी इवेंट इंजॉय किए हैं, इवेंट देखे हैं, इवेंट को समझे हैं, लेकिन मोबाइल का इवेंट इस लेवल का नहीं हो सकता था यार, जो इन्होंने कर दिया है। इनकी मेहनत को सैल्यूट है मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। आप ये पीछे देख ही रहे हैं, इधर भी स्टॉल है, मैं कहूंगा एक बार कैमरा घुमा देंगे, इधर भी स्टॉल आप देख रहे हैं। और उधर पीछे देखिए वो सेल्फी पॉइंट आपके लिए लगाया गया है, LCD आपके लिए लगाया गया है। और इधर स्टॉल है, स्पेस है आप सभी के लिए, सभी कुछ है, बहुत कुछ है। तो ये जो अपडेट आपको मिली है, नाइट की अपडेट मिली है, बने रहिएगा हमारे चैनल पे, कल सुबह 10 बजे लाइव स्ट्रीम जरूर देखिएगा। और बहुत बड़ी बात आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो इवेंट होने वाला है ना, इस इवेंट को आपने और हम सब ने मिलकर सक्सेस की राह पे ले जाना है। और जब सक्सेस की राह पे लेके जाएंगे तो इस हमारे काकू भाई या परविंदर भाई में भी एक जज्बा और आएगा। आज इन्होंने इतना बड़ा करा है, ये इसे और बहुत बड़ा कर देंगे, ताकि आप लोगों के लिए एक मोबाइल इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम अगर कोई करेंगे तो वो ये दोनों भाई मिलके करेंगे। मैं बहुत ज्यादा अपनी टीम की तरफ से थैंकफुल कहता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना बड़ा इवेंट हम लोगों के लिए किया है, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात को अपने ऑडियंस से मिलने का, अपने सब्सक्राइबर कस्टमर मेरे दोस्त यार सबसे मिलने का। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज सर के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। अरे भाई बहुत बड़ी बात बोल दी यार, ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं आप लोगों में से ही हूँ, बस
एक सबसे मिलने का एक जज्बा था कि इन्हें सबसे मिलना है, तो बस वो मिलने से लेकर एक छोटा सा एक गेट टुगेदर किया, बस वो गेट टुगेदर से बस आप लोग का साथ मिला और हम आज यहाँ पर हैं और आगे आप लोग के सहयोग से और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, तो ये अपडेट आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो बस एक काम कर देना, ना लाइक करवाएंगे ना कमेंट करवाएंगे, सिर्फ शेयर कर देना, क्योंकि जो और मोबाइल वाले हैं ना वो भी देख सके और उनके अंदर भी जोश और जज्बा और जुनून आ सके। और मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो जाके अपनी टिकट बुक कीजिए, ट्रेन की कीजिए, फ्लाइट की कीजिए, या कुछ भी कीजिए। अगर आपके घर से पॉसिबल है आना तो हैदराबाद जरूर पहुंचिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।